आप होंगे। हम यूथ तो क्या है, हम यूथ वालों को ये बात समझ लेनी चाहिए कि उन्हें सुल्म और सितम और ये जो बदमाशियों का सिलसिला है इसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये नाकाबिले बर्दाश्त है। अगर आप वीडियो जर्नलिस्ट को बहाल नहीं करेंगे तो फिर ये एहतजाज यहाँ जारी रहेगा और उस वक्त तक नहीं होगा बहाल नहीं हो जाता। जुल्म के ये जाब्ते हम नहीं मानते, जुल्म के ये जाब्ते हम नहीं मानते। पापियों का माशी कतल बंद करो, पापियों का माशी कतल बंद करो। कायदीन कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, कायदीन कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं। मैं हुकूमत को भी वार्न करना चाहता हूँ कि ये सारा क्राइसिस हुकूमत का पैदा और हुकूमत इस क्राइसिस में बराबर की जिम्मेदार है। हुकूमत ने न सिर्फ इस मुल्क में सख्तरीन सेंसस न सिर्फ लिखने की आजादी नहीं है, एडिटोरियल कंटेंट पे कंप्रोमाइज है, एडिटोरियल कंटेंट पे कंट्रोल है। उन तमाम कुवतों के साथ हुकूमत मिली हुई है जो जबर की कुवतें हैं, जिन्होंने हमेशा इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है। हम उन कुवतों को हम समझते हैं कि सिर्फ हुकूमत का मसला नहीं है, इसके पीछे जो कुवतें हैं उनको भी समझ लेना चाहिए कि ये क्राइसिस पूरे मुल्क का क्राइसिस हो। अभी कल या परसों एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस पंजाब बार काउंसिल ने बुलाई है, क्योंकि अब मसाइल जो है वो प्रमुनेट हो गए हैं। प्रेस की आज़ादी का मसला है, जुडिशरी की आज़ादी का मसला है, पार्लियामेंट्री बालादस्ती का मसला है। अब ये तहरीक कौमी तहरीक बनेगी इंशाल्लाह, और सहाफी और बुकला जो है इस तहरीक का हरावल करता होंगे। यकीनन हम न सिर्फ अपने कारकुनों को बहाल करवाएंगे बल्कि इस मुल्क में आज़ादी के लिए न सिर्फ लड़ेंगे बल्कि आज़ादी हासिल भी करेंगे, प्रेस की आज़ादी भी हासिल करेंगे इंशाल्लाह, पार्लियामेंट की आज़ादी भी हासिल करेंगे। तेज हो तेज हो जदोजहद, तेज हो तेज हो तेज हो जदोजहद, तेज हो जमहूरियत की आज़ादी की जदोजहद भी हम लड़ेंगे, पार्लियामेंट की बालादस्ती की जदोजहद भी हम लड़ेंगे, क्योंकि हम समझते हैं आज़ाद पार्लियामेंट होगी, आज़ाद अदलिया होगी और जमहूरियत होगी तो प्रेस की आज़ादी भी होगी। ये तमाम चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसके लिए हमें एक मुनज़्ज़म एक भरपूर और एक कमिटेड जदोजहद की ज़रूरत है, और इसके लिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि हमें अगर जेलें भरनी पड़ी, हमें अगर जान की कुर्बानी देनी पड़ी तो हम प्रेस की आज़ादी के लिए कारकुनों के हकूक के लिए हर किस्म की कुर्बानी जो है वो देने के लिए तैयार है। दोस्तों अब तैयार रहो जेलें भरने के लिए, अब तैयार रहो जदोजहद के लिए, क्योंकि अब एहतजाज से काम नहीं चलेगा। हम 7,000 कारकुनों की कुर्बानी दे चुके हैं, अब कब तक हम सिर्फ एहतजाज सिर्फ नारेबाजी की तरफ जाएं, हमें अब अमली इकदाम की ज़रूरत है। मैं आपसे वादा करता हूँ PFUJ के सेक्रेटरी जनरल होने की है, मैं 72 साल की उम्र में हूँ, मैं आपसे वादा करता हूँ कि इस आज़ादी की जदोजहद में प्रेस की जदोजहद में कारकुनों के हकूक के लिए शायद ये मेरा आखिरी
शायद ये मेरी आखिरी जद्दोजहद, शायद मैं हूँ या ना हूँ, लेकिन दोस्तों मेरा आपसे वादा है कि इस जद्दोजहद में पहली कुर्बानी मैं दूंगा। नासर जैदी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। नासर जैदी कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। आजादी के लिए, लेकिन दोस्तों आपके मुत्तहिद रहना है। अब जद्दोजहद के सिवा कोई रास्ता नहीं है। अब अपीलों से काम नहीं चलेगा, अब वार्निंगों से काम नहीं चलेगा, अब अमली जद्दोजहद से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इसमें नहीं लिखती। उसके बाद अपने हाथों हासिल करें, सदारती निज़ाम देखें।